आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेश कुमार देवांगन, स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस वीडियो इंस्ट्रक्शन में। आज के इस वीडियो इंस्ट्रक्शन में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन टिकट रेस करने के बारे में, जिसकी फैसिलिटी CSVTU में, यानी कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये टिकट होता क्या है। आसान भाषा में, आसान शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ तो यही बोलूँगा कि ये ऑनलाइन कंप्लेन करने का एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या अपनी क्वेरी का समाधान चाहने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो हम लोग ये जानते हैं कि 2016 से पहले सारा सिस्टम जो था CSVTU में वो ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन मतलब किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन पहले अपने संस्था में देता था, फिर संस्था वाले 2 दिन 4 दिन 5 दिन रुक करके उसको फॉरवर्ड करते थे CSVTU को, फिर CSVTU फिर 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन ऐसा रख करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर कॉलेज को रिफ़र करते थे। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होते होते कभी 1 महीना लगता था, कभी 2 महीना लगता था। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो और कठिन भी था। तो इसी को सरल करने के लिए और कम समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए CSVTU ने ये टिकट, ऑनलाइन टिकट का कॉन्सेप्ट लाया है ना। तो इसमें अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम या क्वेरी आपके सॉल्व हो सकते हैं। 2-4 उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि पहला, मान लो कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम लोग को हम लोग के संज्ञान में कई बार ये आता है कि किसी एक पर्टिकुलर या 2-3 बच्चे का टेबुलेशन रिजल्ट वहाँ दिखाई नहीं रहा है, या दूसरा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि टेबुलेशन रिजल्ट दिखा रहा है और किसी के फादर का नाम चेंज हो गया जिसको उसको सुधरवाना है, या तीसरा ये हो सकता है कि बच्चे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में अपीयर तो हुआ है लेकिन जब TR में देखता है तो उसका वहाँ पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स में दिखा करके वहाँ पर अब्सेंट दिखा रहा है, या हो सकता है कि जो फाइनल मार्कशीट आता है कॉलेज में वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नहीं आया है तो वो फाइनल मार्कशीट चाहिए बच्चे को, या ये हो सकता है कि कोई बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय जैसे ही पे करना चाहे तो पेमेंट फेलियर हो जाता है लेकिन पैसे उसके अकाउंट से कट जाते हैं तो उस पैसे को रिफंड लेना है, या कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट बहुत लेट से आता है तो बच्चे को जो भी बैकलॉग का फॉर्म भरना ही पड़ता है और एग्ज़ाम के जस्ट 1 या 2 दिन पहले रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है और लगता है, देखते हैं बच्चे कि वो पास हो गए हैं तो उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में फिर से अपेयर नहीं होना है लेकिन चूंकि उसने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम के लिए उसने पैसे दिया तो उस पैसे को रिफंड लेना है। तो ये सब प्रॉब्लम और ये सब क्वेरी के लिए ये ऑनलाइन टिकट का कॉन्सेप्ट आया और ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी होता है। अब बात ये आती है कि हम ये टिकट क्यों डालें। ये टिकट जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई सभी तकनीकी समस्या, कोई सभी क्वेरी अगर स्टूडेंट्स को आ रही है तो स्टूडेंट पोर्टल में जाकर ये टिकट लॉक करना चाहिए। इससे होता क्या है, ऑनलाइन टिकट नंबर होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को जब कभी निर्णय होता लेना होता है तो छात्र के हित में निर्णय ले पाते हैं, इसीलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि कोई सा भी प्रॉब्लम जो टिकट के माध्यम से CSVTU को अवगत कराया गया हो उस प्रॉब्लम का सलूशन 3 दिन से लेकर के 7 दिन के भीतर में ज़रूर हो जाता है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये इंस्ट्रक्शन वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं स्टूडेंट्स के इन्हीं सब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लेकर। आज भी एक कॉल आया था तो मुझे लगा कि ये समस्या शायद बहुत लोगों का है, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कुछ बड़ी समस्या जिसको स्टूडेंट अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते उसको सॉल्व करने के लिए फैकल्टीज या कॉलेज अथॉरिटीज़ हमेशा अवेलेबल हैं और रहेंगे भी, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसको स्टूडेंट खुद हल कर सकते हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं, इसलिए ज्ञान के अभाव में उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन अगर कॉलेज के फैकल्टीज या स्टाफ चाहे तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। निसंदेह हमें अपने फैकल्टीज के दक्षता में या अपने अपने क्षेत्र में जो महत्व उन्हें हासिल है उसमें कोई संदेह नहीं है और मैं चाहूँगा कि उनके कुशलता में, उनके दक्षता में एक अध्याय
आज के इस इंस्ट्रक्शन वीडियो के कारण और जुड़ जाए, क्योंकि इससे उन्हीं के विद्यार्थियों की जो परेशानी है वो बहुत जल्दी हल हो सकता है और उनका भला हो सकता है। मेरी राय आप लोग से भिन्न हो सकती है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बस उद्देश्य यही है कि पहला, चीज़ें आसान हो जाए, दूसरा, बोझ या बर्डन जो है वो किसी एक पर ना आए, स्पेशली एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले अथॉरिटी के ऊपर, और तीसरा, सबको सब चीज़ का ज्ञान हो। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे ऑनलाइन टिकट रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले CSVTU के वेबसाइट में जाना है। तो CSVTU का वेबसाइट जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे ऐसा स्टूडेंट लॉगिन का पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ यहाँ पर अपना क्रेडेंशियल्स डाल देंगे आप लोग, और अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर पासवर्ड डाल के, तो ऐसा कुछ पेज डिस्प्ले होगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है हैव अ क्वेरी, कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क, और यहाँ पर रेज अ टिकट। तो ये टिकट यहाँ पर हम लोग को रेज करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। देखते हैं क्लिक करने के बाद क्या है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन टिकट रेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपल बेसिक इंग्लिश के कुछ टर्म्स है जिसको समझना है, और जो भी फील्ड में इंफॉर्मेशन मांगते जाता है उसको भरना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ कुछ चीज़ें आ गया है। तो सारे फील्ड्स में देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन है ना, सब इन्फॉर्मेशन ऐसे भरते जाना है। ये स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जहाँ यहाँ पर रेड स्टार दिख रहा है ना, स्टार मार्क है, वो मैंडेटरी फील्ड है, वो अति आवश्यक फील्ड है, उसको भरना ही है, अदरवाइज आपका टिकट सबमिट नहीं हो पाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दे सके उतना ज़रूर देना है, ताकि TCS अथॉरिटी को या फिर CSVTU के जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी हो उसको आपके प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने में मदद मिले। और कोशिश ये करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जहाँ उस इंफॉर्मेशन की जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पर प्रूफ देना है। जैसे किसी बच्चे के पिताजी का नाम चेंज हो गया, उसको अपने पिताजी का नाम सुधरवाना है, तो यहाँ पर प्रूफ क्या हो सकता है, पिताजी के नाम के लिए प्रूफ होता है 10th क्लास का मार्कशीट, तो वो लगा देना है। या कोई केस में कोई स्क्रीन शॉट भी हो सकता है, तो बिल्कुल आप ये सब डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेरे पास सुबह कॉल आया था, मैं उसी स्टूडेंट का यहाँ पर लॉगिन करके रखा हूँ। उसका प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है 4 अप्रैल को, फर्स्ट सेम का स्टूडेंट है वो, लेकिन एक सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसका मार्क्स न दिखा करके एब्सेंट दिखा रहा है, जबकि वो बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है। तो उसके लिए आज हम लोग ऑनलाइन टिकट रेस करने के लिए देखेंगे। तो कॉलेज ने यहाँ पर देखो कुछ फील्ड जो है आपका पहले से ही यहाँ पर प्री फील्ड है ना, इनरोलमेंट टाइम से। कॉलेज का नाम यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। कॉन्टैक्ट नंबर, तो उस जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल लेता हूँ उस स्टूडेंट का। फिर यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम टाइटल। तो प्रॉब्लम टाइटल जैसे कि मैं बताया कि उसका मार्क्स नहीं दिखा रहा है, तो सिंपल एक बेसिक इंग्लिश में लिख सकते हैं शोइंग अब्सेंट इंस्टेड ऑफ मार्क्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ, देखो इंसिडेंट अकरेंस डेट कब हुआ ये प्रॉब्लम। तो जब भी आपको लगता है ना, जैसे कि आज का ही डेट है तो आज का डेट, या जिस दिन भी हुआ है तो चलो उसको छोड़ते हैं। फिर प्रॉब्लम कैटेगरी, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ हैं। यहाँ है आपका प्रॉब्लम टाइटल, यहाँ है प्रॉब्लम कैटेगरी, यहाँ है प्रॉब्लम टाइप, यहाँ है प्रॉब्लम आइटम्स, और यहाँ है प्रॉब्लम समरी। तो इसका मैं एक डिटेल शीट बना के रखूँ जो आप लोग को दिखाना चाहूँगा। देखिए
यहाँ पर CSVTU जितने भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को या कोई इंस्टीट्यूट को आ सकता है उसको 9 कैटेगरी में कैटेगराइज किया यहाँ पर, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा 9 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है और उस 9 कैटेगरी में इस प्रॉब्लम को अलग अलग टाइप में फिर से क्लासीफाई किया है। तो 32 टाइप्स के यहाँ पर प्रॉब्लम है और फिर उसको आइटम वाइज फिर से क्लासीफाई किया है, तो 86 आइटम्स है। तो ये जो प्रॉब्लम कैटेगरी है इसमें 9 है, 7 जो फैकल्टी के लिए है, सॉरी 2 फैकल्टी के लिए है और 7 स्टूडेंट के लिए है। तो इसको आप वहाँ पर देख सकते हो। तो CSVTU इसके माध्यम से विद्यार्थियों का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, टिकट रेस करना ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। तो चलिए देखते हैं अब प्रॉब्लम कैटेगरी। प्रॉब्लम कैटेगरी देखिए TR से रिलेटेड प्रॉब्लम है मुझे कि TR में मेरा मार्क्स जो है वो मार्क्स ना दिखा करके ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं TR डाल दूंगा। रिक्वेस्टर में इसी का नाम आ जाएगा जो स्टूडेंट का है, हर्ष वर्मा। और प्रॉब्लम का टाइप, प्रॉब्लम का टाइप क्या है, TR रिपोर्ट का करेक्शन है ना, तो TR रिपोर्ट का करेक्शन देते हैं। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम आइटम्स, तो सोइंग अब्सेंट इंस्टेड ऑफ मार्क्स इसको सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर ये सेवियरिटी तो नॉर्मल ही रहता है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम का समरी लिखना है, तो प्रॉब्लम का समरी क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रॉब्लम का समरी जैसे मैं यहाँ पर एक ड्राफ्ट करके रखा हूँ, देखिए आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेम डिप्लोमा इन मेटलर्जी, आई अपियर्ड इन द एग्जाम सेशन नवंबर दिसंबर 2019 इन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग विद सब्जेक्ट बुक, बट इन द TR इट्स शोइंग अब्सेंट इंस्टेड ऑफ मार्क्स, अटेंडेंस इट इज अपडेटेड इन द पोर्टल ऑन डेली बेसिस ड्यूरिंग थ्योरी एग्जाम बाई द इंस्टीट्यूट विच कैन बी रिफर्ड, काइंडली रिजॉल्व द इशू एंड प्रोवाइड मी माई अपडेटेड TR। तो ऐसा करके आप अपने प्रॉब्लम को समराइज कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ आपको लगता है, जितना भी चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं उतना ज़्यादा डालिए सही इन्फॉर्मेशन, ताकि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो। अब देखेंगे कि ये कुछ रेफरेंस टिकट नंबर है जिसको मैं डाल रहा हूँ, इसका इससे पहले एक और प्रॉब्लम आया था तो मैं एक बार और टिकट इसका जनरेट कर चुका हूँ, उसी टिकट का यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। और अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रूफ दूंगा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मतलब उसका TR ही अपलोड कर दूंगा, मैं उसका TR अपलोड कर दूंगा जहाँ पर उसका मार्क्स जो है अब्सेंट मार्क्स ना दिखा करके अब्सेंट दिखा रहा है ना, तो मैं यहाँ पर उसका TR को अपलोड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब उसके अलावा फिर ये अपलोड फाइल सक्सेसफुल अपलोड हो गया है, उसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर उसका डाल दीजिए, एनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट का, सोर्स आप डाल सकते हैं, अगर स्टूडेंट खुद डाल रहे हैं तो यहाँ स्टूडेंट डालें, या फैकल्टी डाल रहे हैं तो फैकल्टी डालें, है ना। यहाँ पर एग्ज़ाम सेशन जरूर सेलेक्ट कर लें, इसका एग्ज़ाम सेशन नवंबर दिसंबर 2019 का प्रॉब्लम है, और अवार्ड जरूर सेलेक्ट कर लें, अवार्ड यानी कि किस कोर्स के लिए ये हुआ था एनरोल, तो ये डिप्लोमा के लिए हुआ था। इतना सब चीज़ भरने के बाद है ना, इतना सब चीज़ जब कंप्लीट भरा जाए, स्पेशली सारे स्टार मार्क्स भरा जाए तो आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अन स्टार मार्क्स को भी, जो नेसेसरी नहीं है उसको भी आप बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, और यहाँ पर फिर आप सेव कर दें। तो सेव होने के बाद देखिए ये कुछ टिकट नंबर यहाँ पर जनरेट हुआ है, इस टिकट नंबर को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टिकट डलने के बाद आप क्या करेंगे, इस टिकट के स्टेटस को चेक करते रहेंगे, इस टिकट के स्टेटस को चेक करेंगे। यहाँ पर वापस आप होम पेज में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए व्यू टिकट स्टेटस आया है, यहाँ व्यू टिकट स्टेटस में जाएंगे और अपने टिकट का स्टेटस चेक करेंगे कि क्या जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर टिकट के माध्यम से रेज किया था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए यहाँ पर सिंपल आप क्या करेंगे, टिकट नंबर डालेंगे, और यहाँ पर जैसे टिकट नंबर डालेंगे
बाकी और भी फील्ड है जैसे प्रॉब्लम कैटेगरी, प्रॉब्लम टाइप, प्रॉब्लम आइटम, ये सब आपको याद है तो बिल्कुल डाल सकते हैं, याद नहीं है तो आप सारे फील्ड को ब्लैंक कर दीजिए। सारे फील्ड को ब्लैंक अगर आप कर देंगे तो भी आपका टिकट का स्टेटस दिखने लगेगा, है ना। चाहो तो इसको भी आप ब्लैंक कर सकते हो, चलो इसको भी ब्लैंक कर देते हैं। सारे फील्ड को ब्लैंक करके डायरेक्टली सर्च करते हैं, तो डायरेक्टली सर्च करने के बाद देखेंगे कि तो भी हमारे जो हम टिकट डाले हैं वो आ जाता है। जैसे कि देखिए ये वाला टिकट है ना, ये जो फर्स्ट नंबर में आ रहा है, देखिए यहाँ पर डाले थे TR रिपोर्ट करेक्शन के लिए डाले थे, है ना। यहाँ पर शोइंग अब्सेंट इंस्टेड ऑफ मार्क्स, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम समरी हम लोग लिखे हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेम डिप्लोमा इन मेटलर्जी, आई अपियर्ड इन द एग्जाम सेशन नवंबर दिसंबर 2019, जो भी हम लोग डाले थे, है ना। तो ये है, अब ये सॉल्व हुआ है कि नहीं पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आप ये ऊपर का सेक्शन देखे जाइए, देखते जाइए, है ना। वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगा, देखिए ये है असाइंड यूज़र का। असाइंड यूज़र मतलब ये आपको जितना भी नाम दिख रहा है, एडमिन, TCS सपोर्ट, है ना, सितांशु साहा, ये जितने भी नाम दिख रहे हैं TCS के या CSVTU के अथॉरिटी हैं, ये आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, यही लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अटेंडेड बाई में यहाँ पर किसी का नाम आएगा, जो भी सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और सॉल्यूशन में यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भी लिख जाएगा, है ना। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो लोग लिख देते हैं योर प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व, ऐसा कुछ यहाँ पर कमेंट आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रूफ नहीं देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में ये भी आता है कि काइंडली अटैच प्रूफ या फिर काइंडली अटैच 10th मार्कशीट, तो वो आप सॉल्यूशन बिल्कुल पढ़ पढ़िए, उसके बाद हो सकता है कि एक स्टेप और आगे होने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो इतना चीज़ आप करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको 2-3 दिन में चेक करते रहिए, क्योंकि मेरा अनुभव है कि 3 दिन से 7 दिन के भीतर में आपको प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाता है, तो ऐसा करके आप अपना प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब नॉलेज, ये जो टिकट रेस करने के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छा लगा होगा। एंड आई ऑल्सो होप मैनी ऑफ माई कलीग्स एंड माई स्टाफ माइट बी नोइंग अबाउट इट ऑलरेडी। सो दिस वीडियो इंस्ट्रक्शन इज फॉर दोज स्टूडेंट्स एंड दोज स्टाफ हु वॉन्ट टू नो अबाउट ऑनलाइन टिकट रेस फैसिलिटी। सो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये तो है वेबसाइट डेस्कटॉप में अगर आप करना चाहें तो, इसके अलावा आप चाहो तो ये मोबाइल के ऐप है एम टॉप, वहाँ भी कर सकते हैं। तो एम टॉप ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में ऐसा आप टाइप करेंगे एम टॉप, तो ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर ऐप दिख रहा है वो है, चाहे तो इसको डाउनलोड करके इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, है ना। ये देखिए एम टॉप डाउनलोड करने के बाद, एम टॉप ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ यहाँ लॉगिन आईडी और यहाँ पासवर्ड डालिए, और उसके बाद यहाँ पर ये की वाले जो सिंबल है उसको क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का आइकन दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हेल्प डेस्क के आइकन में यहाँ पर आता है रेज टिकट, नया टिकट डालना है तो, और ऑलरेडी कोई टिकट डाल चुके हैं तो उसको भी ट्रैक करने के लिए आता है माई टिकट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फील्ड हम लोग अभी डेस्कटॉप में देखे हैं वही सब फील्ड यहाँ पर आपको मोबाइल के ऐप में भी दिखेगा। प्रॉब्लम टाइटल, एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज नेम, है ना, प्रॉब्लम आइटम, मोबाइल नंबर, प्रॉब्लम समरी, ये सारा चीज़ हो, ये भी वही है लगभग। और लास्ट में यहाँ पर सबमिट करें, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है जिसको जानकर स्टूडेंट अपने लेवल पे, अपने खुद के लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और चीज़ों को समझें ताकि अपनी प्रॉब्लम आप खुद ही हल कर सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल जिसको जिसको इसकी ज़रूरत है उन स्टूडेंट्स के बीच में ज़रूर शेयर करें, और हो सके तो सब स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएं, शेयर करें और अपने नॉलेज में कुछ इन्हेंसमेंट करें। तो इन्हीं सब के साथ धन्यवाद।